पानीपत की अनाज मंडी में सब्जी मंडी सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक लगती है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर सब्जी मंडी पहुंचे तो सरेआम पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ती रही। सब्जी मंडी का नजारा देख लगने लगा कि पानीपत में आने वाला समय में खतरा मंडरा सकता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। वहीं जहां प्रशासन बड़े बड़े दावा कर रहा है कि पानीपत में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, वहीं आधी रात को जब प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है तो सब्जी मंडी में सरेआम सोशल डिस्टेंस की फेल नजर आ रहा था। सब्जी बेचने वालों को इस बारे में बातचीत हुई तो उनका कहना है कि रात को 1 बजे के बाद सब्जी मंडी लगती है, कुछ तो इसकी पालना करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पालना हो पाती। सब्जी बेचने वाले सरोज व साहिल का कहना था कि मार्केट कमेटी वाले हमें यहाँ से भगा रहे हैं तो दूसरों को बेचने दे रहे हैं, हमारा सामान उठाकर ले जाते हैं। को उठाया जाए नहीं तो सबको बिठाया जाए। इस खतरी की दुकान के आगे बैठे सारे, उनको कोई कुछ नहीं करता। यहाँ सब गरीब आदमियों को जो नीचे लगाते हैं उनको सबको कभी कंडा बट्टा कमेटी वाले उठा ले जाते हैं। प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन सब एक समान है। बताओ सर, चलो हम यहाँ भिंडी भांडी हैं बेचते हैं सर। बताओ सर, किसी को कुछ नहीं सर, कमेटी वाले तंग करते और कोई तंग नहीं करता सर। मार को कमेटी वाले नहीं बेचन दे रहे और के जी भी तो सब की डवा हटवाओ जो दुकानों के आगे और का सब की लगवाओ सब लोग हटाओ यहां पे सामान उठा कर ले जाओ हम को हटाओ। सही बात है, वे दुकानों के आगे बेच रहे उन तक पैसे ले रहे होंगे इब हमने के मेरा पैसे ले मैं के ले मैं वे। वहीं जब ड्यूटी पर तैनात ASI इंदर सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और रात को 2 बजे सब्जी मंडी लगती है तो कुछ नियमों को भी ध्यान में रखकर सब्जी बेच रहे हैं। खुलने का तो इसका है निजी बार के आते रहे हैं व्यापारी, को 2 बजे शुरू हो जाने, 2 बजे भी आ जाए हैं, 2:30 बजे भी आते रहे जाते रहे व्यापारी बेच के। डिस्टेंसिंग इतनी तो नहीं है, भीड़ तो पालन तो हो रहा है, सब्जी मंडी में देखो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लोग आते हैं। लेकिन जब सब्जी बेचने वालों का भेदभाव के आरोप लग रहे थे तो उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी ने पास जारी किए हैं और उनके पास नहीं मिला तो यहाँ सब्जी बेचने की इजाज़त नहीं है। यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा यह देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।